बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आज की इस नए वीडियो पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इस समय अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं लुसेंट के 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, आज उसकी 5वीं वीडियो है और हम कोशिश किए हैं कि इस एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन फंसे जो हम यहाँ पे करा रहे हैं, जो हम करा रहे हैं उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, उसी हिसाब से यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए। तो शुरू करते हैं आज के हम अपने सेशन को। इसमें हम रैपिड फायर मोड में क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम सजीवा रेड्डी थे और राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वह आर्टिकल नंबर 52 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल बंदरगाह वाला नगर था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊँचा पठार कौन सा है? इसे पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल के इसके जगह पे, इसको बंद करके इसके जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग के भी हेड प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान हेड इस समय पे नरेंद्र मोदी जी हैं और सुमन बैरी इसके उपाध्यक्ष हैं। आप लोग नीचे कमेंट में सीईओ बताइएगा कि नीति आयोग के सीईओ इस टाइम पर कौन है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय, तो मिहिर सैन ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ के तनाव के कारण ही पानी की बूंदें गोल गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्वेता एवं परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर या उससे ज़्यादा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइन में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के जो हेडलाइन हैं उसमें हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में हमें हीलियम गैस भरा जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल और हरा और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राइमरी कलर कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का मिश्रण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आँख से संबंधित है। और आँख से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा हिस्सा भाग है जो दान दिया जाता है? तो है कार्निया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री का नाम? तो वह है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑरिजन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, और इम्पॉर्टेंट पुस्तक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये बातें मैं लगातार बता रहा हूँ, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट जो पुस्तक हैं उसे देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम काम करता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन कमी होता है? तो B3 की कमी से होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुमक्खियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मधुमक्खियों के यकृत तेल में
विटामिन डी की प्रतियोगिता होती है और इसके कमी से रिकेटस होता है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। मानव का शरीर का तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस या 98.4 फारेनहाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। और कंप्यूटर से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन एक क्वेश्चन हर साल कंप्यूटर से हमें यूपी बीएड में देखने को मिलता है। तो आप बेसिक कंप्यूटर की 1 से 2 वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि हर एक नंबर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर, और 2 नंबर से खेल बदल सकता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोली दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। परासव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय? तो दादा भाई नौरोजी जी थे, और इनकी पुस्तक है प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। आप लोग याद रखिएगा, ये भी पुस्तक एक टाइम पे बहुत पूछी जाती थी, हालांकि अभी भी पूछा जाता है। भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और आप लोग कमेंट बताइए कि यूपी में किस जिले में सबसे अधिक चावल उत्पादन किया जाता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है, जिसमें हमें पानी से डर लगता है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वह आर्टिकल नंबर 63, और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी जी हैं। और अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात कर ले, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1901 में हुई थी, और इसकी घोषणा जो हुआ था 1900 में हुआ था। और इसे शुरू करने वाले थे अल्फ्रेड नोबल जी, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, जो भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार हुए 1930 में रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन जी को दिया गया था। तो अगर सीवी रमन अगर आपको नाम भी याद है तो भी आप लोग उस टाइम पे याद कर लें कि रमन प्रभाव के लिए ही दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले भारतीय? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो वह है सरोजिनी नायडू जी। 1925 कानपुर अधिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू, और सॉरी पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, और भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो यह है कपिल देव जी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ? तो हमने ऊपर कवर किया था कि 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अगर इसके हम क्षेत्र अभी 6 क्षेत्र में जाता है 1967 के बाद, इसमें हमें अर्थशास्त्र जुड़ता हुआ नजर आया। अगर हम इसके क्षेत्र की बात कर लें तो साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, और 1967 के बाद अर्थशास्त्र भी इसमें हमें जुड़ता हुआ नजर आया। नोबेल पुरस्कार हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। बांग्लादेश की मुद्दा कौन सी? तो बांग्लादेश की मुद्दा है टका। रामायण की रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अब तक तो यूपी था, लेकिन इस बार राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, इस बार राजस्थान यूपी से आगे निकला है गन्ने के उत्पादन में। आप इसे देख लीजिएगा, ये करंट का टॉपिक भी रहने वाला है। नहीं, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश सही रहेगा। राजस्थान दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश से आगे निकला, सॉरी इसके लिए।
दूध उत्पादन में राजस्थान आगे निकला, ये करंट का टॉपिक रहने वाला है। अभी भी गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है। आप लोग करंट के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायोरिया रोग दांत और मसूड़े को ही प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ये है आर्टिकल 16। राष्ट्रपति का शपथ है 16 और 61 है महाभियोग। तो राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल देख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। समितियाँ देख लीजिएगा, संविधान संशोधन देख लीजिएगा। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। डेविस कट्स का संबंध किस खेल से? तो डेविड कप का संबंध है टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली भारतीय महिला तो वह संतोष यादव जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो ये होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, सॉरी। संसद का उस सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और इम्पोर्टेंट बुक आप लोग देखते चलिएगा। सन 1954 में वह भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समझौता रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2010 का फुटबॉल किसने जीता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब ये करेंट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के पास खंड गौशाला में स्थित है। और ये इम्पोर्टेंट रहने वाला अकेडमी पूछ देता है कि कौन सा अकेडमी कहाँ स्थित है, कौन सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो हम जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान उससे हम थोड़ा सा रिविजन करने की कोशिश करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में स्थित है और जो यूपी में स्थित है उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वे लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है वे लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन जो शोध संस्थान है वे कानपुर में स्थित है। हालांकि उसके बाद अगर हम बात कर लें तो केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में स्थित है। केंद्रीय ईंधन संस्थान जलगोड़ा झारखंड में स्थित है। भारतीय वन संस्थान देहरादून में स्थित है। डेयरी संस्थान करनाल में स्थित है। बाकी हम आगे क्वेश्चन आएंगे तो देखते चलेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी के। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ महात्मा गांधी की रचना है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो वह 72 बार। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए किसके समय पर हुई थी और नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल KM करियप्पा जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइहोरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाइहोरबा मणिपुर का लोक नृत्य है। आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, इसका राइट आंसर है केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता में जो बंदरगाह है वे एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कि किसी नदी के किनारे स्थित है। पौधे में जीवन होता है ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो ये जगदीश चंद्र बसु जी ने यह बात बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो है अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? यह पूर्णिमा को लगता है, लेकिन हर पूर्णिमा को लगे ये ज़रूरी नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो वे है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वे है 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखा? तो ये तुलसीदास जी ने लिखा। ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन हिंदी और GS दोनों से इम्पोर्टेंट है और इसके 7 खंड हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपसे एक पसंद आएगी और ये क्लास आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी।
यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं सौ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।